Hello everyone, in this video you will get to know what are arguments and parameters in Python function and how many types of parameters can be received by a function. Okay, so let us start. Ab hum yahan pe kya karte hain, ek function create karte hain. Okay, def keyword aapne liya, def stands for define. Okay, yahan pe main leti hu mere jo function ka name hai, that is interest. Okay, aur usme maine pass kar diye theme वेरिएबल्स. ओके, मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को पास कर दिया है पीआरटी. राइट, नाउ एक वेरिएबल और लिया है मैंने एसआई. ओके, पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100. राइट, देन वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एसआई. राइट, ओके. तो आपने फंक्शन क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है इंटरेस्ट. राइट, अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स और लेती हूँ. प्रिंट, मैंने वेरिएबल लिया और इसको वैल्यू दे दी 50,000, रेट 5% एंड टाइम 2 इयर्स. ओके, नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे. ओके, एंड फंक्शन कॉल को हमने किस में इनिशियलाइज कर दिया है, रिजल्ट वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया है. मतलब जो भी फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल में. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ. ओके, तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करना है आई एन टी ई आर ई एस टी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को पास कर रहे हो. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट रेट एंड टाइम की वैल्यूज को पास कर दिया. फाइन, उसके बाद आप प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे और मैं यहाँ पे दे देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिजल्ट. ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज रिजल्ट. राइट, नाउ अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. फाइन, तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को पास कर रहे हो. राइट, और ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, ये वैल्यूज जाएंगी फंक्शन हेडर के पास और फंक्शन हेडर इसको रिसीव करेगा. ओके, तो क्या होता है, द वैल्यू बींग पास टू अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. जो वैल्यूज पास होती है किसके थ्रू, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से के थ्रू पास होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे जो प्रिंट रेट टाइम है ये क्या है, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स. ओके, आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स को आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हो या फिर एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हो. ओके, तो दीज आर योर आर्ग्यूमेंट्स, जो फंक्शन कॉल्स के थ्रू, फंक्शन कॉल के थ्रू आप जो वैल्यू पास करते हो उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर. फाइन, तो यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू जाएगी पी के पास, आर की वैल्यू जाएगी, रेट की वैल्यू जाएगी आर के पास एंड टाइम की वैल्यू जाएगी टी के पास. ओके, अब क्या है, पी आर एंड टी ये वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं. ओके, तो क्या होता है, द वैल्यू रिसीव्ड इन फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स. तो यहाँ पे पी आर टी क्या है, पैरामीटर्स. ओके, जो वैल्यू रिसीव करते हैं उनको पैरामीटर्स कहा जाता है, और जो वैल्यू क्या करते हैं, पास करते हैं, सेंड करते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है. तो यहाँ पे पी आर टी क्या है, पैरामीटर्स है. ओके, और पैरामीटर्स कहाँ पे होते हैं, फंक्शन हेडर में होते हैं, और आप कह सकते हो फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं. इसको आप फंक्शन हेडर बोल भी कह सकते हो और फंक्शन डेफिनेशन भी. ओके, एंड पैरामीटर्स आर आल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स. पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं. ओके, तो दीज आर पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, एंड दीज आर आर्ग्यूमेंट्स. ओके, और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर. राइट, ओके, नाउ आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लो अपने फंक्शन को. तो यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट आ गया 5000 इंटरेस्ट. राइट, ओके, जो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल रेट एंड टाइम की वैल्यूज क्या की थी, यहाँ से पास की थी फंक्शन के पास. ओके, यहाँ से वैल्यूज फंक्शन हेडर में गई, फंक्शन
तो फंक्शन ने इसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल की वैल्यू है 50,000 है, रेट की वैल्यू है आपकी 5 एंड टाइम की वैल्यू है 2 और इस आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 5,000। सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, पाइथन 3 टाइप के पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है, पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। नाउ वी विल डू दीज 3 वन बाय वन। ओके, फर्स्ट वी हैव पोजिशनल और रिक्वायर्ड arguments or mandatory arguments. Okay, positional arguments are arguments that are passed to a function in a correct positional order. तो positional arguments वो arguments होती है जिन्हें एक proper order में क्या किया जाता है, pass किया जाता है. Okay, the first parameter receives the value of the first argument. आपको ध्यान से order में arrange करके values को pass करना है, क्योंकि जो first parameter है वो first value को, first argument की value को receive करता है, second parameter second argument की value को receive करता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ओके, सेकंड क्या है, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पैरामीटर्स. तो आप जो फंक्शन कॉल के थ्रू आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो वो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितनी होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं. ओके, तो ये इसलिए इसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर में आप वैल्यूज भेजोगे, ठीक है. ओके, एंड You should send the value for all the parameters. आप जितने भी parameters है सबके लिए values को आपको क्या करना है, pass करना है, इसलिए इसको required arguments कहा जाता है. When the function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition, this is called the positional argument matching. जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से जो वैल्यूज पास की जा रही हैं, ओके, उनका नंबर, नंबर ऑफ वैल्यूज एंड द ऑर्डर ऑफ वैल्यू मैच करता है आर्ग्यूमेंट्स का और पैरामीटर्स का, तो उसको क्या कहा जाता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग. ओके, इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स डिफर्स देन द पाइथन विल रेज एन एरर. अगर आर्ग्यूमेंट्स आपने 2 सेंड किए हैं लेकिन पैरामीटर्स कितने हैं, 3 हैं, आपने वैल्यूज कितनी पास करी है, 2, और पैरामीटर्स क्या है, 3, तो क्या होगा, पाइथन क्या रेस करेगा, एरर को रेस करेगा. ओके, इफ द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स डिफर देन रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी चेंज्ड. और आपने अगर रॉन्ग ऑर्डर में वैल्यूज को पास किया है तो क्या होगा, रिजल्ट तो आ जाएगा बट क्या होगा, वो रॉन्ग रिजल्ट होगा, डिजायरेबल नहीं होगा, राइट. तो मैं इसको अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. ओके, ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी हमने बनाया था, राइट. अगर आप देखो यहाँ पे, देखो जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो पी में जाएगी, रेट की वैल्यू आर में जाएगी और टी की वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, टाइम में जाएगी, राइट. अब देखो मैं आपको यहाँ पे शो करके भी दिखा देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट से हम यहाँ पे शो करके दिखा देते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एक पर, एक ऑर्डर में ही वैल्यूज क्या होती है, पास होती है, राइट. तो प्रिंसिपल, राइट, आपका क्या है, पी, देन रेट, आर, एन, टाइम, टी, राइट. ओके, अब यहां पे मैं इसको प्रिंट करती हूँ, देन यू विल गेट टू नो. इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, तो देखो, लुक एट दिस. प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, आपकी 50,000 है, राइट. प्रिंसिपल की वैल्यू 50,000 है. यहाँ पे जो प्रिंट आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू कहाँ गई है, पी के अंदर गई है. ओके, रेट की वैल्यू आपकी क्या है, 5 है. ओके, तो यहाँ पे जो रेट की वैल्यू है वो कहाँ गई है, आर में गई है. एंड देन टाइम की वैल्यू आपकी क्या है, 2, जो टी में गई है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप एक करेक्ट ऑर्डर में पास करोगे. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मीन्स इनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. अगर आपने ऑर्डर रॉन्ग दिया है तो आपका रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा. ओके, अगर मैं देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे पहले लिख दूं रेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं प्रिंसिपल, तो यहाँ पे रेट की वैल्यू चली जाएगी पी के अंदर और प्रिंसिपल की वैल्यू चली जाएगी आर के अंदर. ओके, इसको देखो एग्जीक्यूट करते हैं. अब देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल की वैल्यू ये क्या शो कर रहा है, 5 कर रहा है. प्रिंसिपल की वैल्यू 5 कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रेट वाली वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, प्रिंसिपल के अंदर चली गई. अब और रेट की वैल्यू क्या शो कर रहा है, 50,000 कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट आपने दिया है उसकी वैल्यू कहाँ चली गई, रेट में चली गई है. क्या
ध्यान रखना कि पोजिशनल, आपका पोजीशन, आपका ऑर्डर सही होना चाहिए। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उतने ही आपको आर्ग्यूमेंट सेंड करने हैं। अगर मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हटा देती हूँ तो क्या आएगी, एरर आ जाएगी। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। मैंने एक आर्ग्यूमेंट को हटा दिया, नाउ इट विल शो यू एरर। देखो यहाँ पे आपका एरर आ गया है। रखना है एक तो ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में आप वैल्यूज को पास करोगे और नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने हैं उतने ही आप वैल्यूज को पास करोगे। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे सही कर देते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर दो प्रिंसिपल, ओके, रेट एंड टाइम, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करा दो, अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के यहाँ पर आ गया है, राइट। 5000 आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन अलाउज अस टू असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू अ फंक्शन पैरामीटर व्हिच इज यूजफुल इन अ केस मैचिंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट पास इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि आप जो फंक्शन पैरामीटर्स हैं, ओके, जो फंक्शंस के हेडर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं उनको आप एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, राइट। और वो अगर आपको लगता है कोई वैल्यू रिपीटेड है, अगेन एंड अगेन वो सेम वैल्यू आती है, तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन पैरामीटर्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। द डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे देखो फंक्शन हेडर में, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है डेफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर मैंने रेट को क्या दे दिया, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया 10%, मतलब 0.10, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पैरामीटर रेट, इफ इन अ फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ रेट इज नॉट प्रोवाइडेड फंक्शन विल फिल द मिसिंग वैल्यू फॉर रेट ओनली विद दिस वैल्यू। अगर आप रेट की अब वैल्यू यहाँ पे फंक्शन कॉल के थ्रू पास नहीं करते हो फंक्शन डेफिनेशन में, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है वो उसको यूज कर लेगा। ओके, द डिफॉल्ट वैल्यू असाइंड इन द फंक्शन हेडर आर कंसीडर ओनली इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू पास करते हो रेट के लिए, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, वो यूज नहीं होगी, जो फंक्शन कॉल के थ्रू आएगी वैल्यू वो यूज होगी। ठीक है, ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। इन अ फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल द पैरामीटर्स अपियरिंग ऑन इट्स राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी जो वैल्यू है, ओके, वो डिफॉल्ट, कोई भी जो आपका पैरामीटर है, राइट, उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू तब तक नहीं मानी जाएगी, राइट। मतलब कोई भी पैरामीटर के पास डिफॉल्ट वैल्यू तभी आ सकती है जब उसके राइट में जो पैरामीटर है उसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे यहाँ पे टाइम है, टाइम को अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहती हूँ तो मेरे, तो ये तभी पॉसिबल है जब रेट के पास भी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट। अगर यहाँ पे मैं टाइम को दे दूँ टाइम इक्वल्स टू 2, ओके, और रेट के पास कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, पैरामीटर्स को आप डिफॉल्ट वैल्यू तभी दे सकते हो जब उसके राइट में अगर कोई पैरामीटर है तो उसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, राइट। अब ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो ये कि अगर आप क्या करते हो फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यू को पास करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू वर्क नहीं करेगी, ओके, एंड दूसरा यहाँ पे कि आप कैसे डिफॉल्ट वैल्यू दोगे, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं अभी। ओके, अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, टाइम को दे देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, हमने दे दिया 2 इयर्स, ओके, 2 इयर्स हमने डिफॉल्ट वैल्यू टाइम को दे दी है, तो अब यहाँ पे हमें टाइम को देने की जरूरत नहीं है और यहाँ से भी आप टाइम को हटा सकते हो, फाइन। मैंने यहाँ पे 2 इयर्स दे दिया है, राइट। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो, अभी नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर, आपके पास रिजल्ट आ गया है। ओके, सी, आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहां से पास हुआ, ठीक है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से पास हुआ आपका 50,000 गया, ओके, रेट की वैल्यू आपने यहाँ से पास की 5, वो भी यहाँ पे पास होगी 5। अब टाइम आपने पास नहीं किया था, तो यहाँ पे जो टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू थी 2 इयर्स, वो यहाँ पे टाइम ने ले लिया है 2 इयर्स, देखो यहाँ पे ले लिए और आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया है, फाइन। अब देखो मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करती हूँ टाइम, राइट, यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 3 इयर्स,
ओके टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स और मैंने टाइम की वैल्यू को पास कर दिया। अब क्या होगा, अब डिफॉल्ट वैल्यू वर्क नहीं करेगी, ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी, अब जो वैल्यू आप पास करोगे वो वैल्यू आपकी यूज होगी। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो अब आप रिजल्ट में यहाँ पे देखो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 50,000 है जो आपने पास किया था यहाँ से, आपका रेट क्या है 5, ओके 5% एंड टाइम क्या है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे देखो टाइम 3 ईयर्स यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 ईयर्स नहीं यूज नहीं हो रहा है, ओके तो यहाँ पे क्या है, अगर आप क्या करते हो वैल्यूज को पास करते हो, तो अगर जो भी पैरामीटर है डिफॉल्ट वैल्यू वाला, अगर उसकी उसके पास कॉल वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यू आ रही है, तो वो क्या करेगा फंक्शन कॉल वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज करेगा। ओके ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि डिफॉल्ट वैल्यू आप ऐसे दे सकते हो, राइट। सेकंड हमारा क्या था, अगर फंक्शन कॉल के थ्रू कोई वैल्यू आ रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आप, मैंने यहाँ पे रेट को भी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, मैंने रेट को डिफॉल्ट वैल्यू 5 दे दी और इसको यहाँ से हटा दिया, राइट इसको मैंने दे दी 5 और इसको यहाँ से हटा दिया, राइट। नाउ अब यहाँ से सिर्फ मैं प्रिंसिपल की वैल्यूज को पास कर रही हूँ, फंक्शन कॉल में मैं सिर्फ प्रिंसिपल की वैल्यू को पास कर रही हूँ, फाइन, और टाइम को भी हम हटा देते हैं, ओके। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे आप फंक्शन कॉल के थ्रू सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को सेंड कर रहे हो, आपने रेट की वैल्यू भी दे दी है 5% एंड टाइम आपने 2 ईयर्स दे दिया है, राइट। अब नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक एट द रिजल्ट, आपने प्रिंसिपल अमाउंट सेंड किया था 50,000, रेट की वैल्यू आपने 5 दी थी, ठीक है, पैरामीटर में आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी 5, तो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है, टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू 2 आ गई है, राइट, और आपका रिजल्ट आ गया 5,000, ओके। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी रेट की वैल्यू तो 5 आए लेकिन टाइम में कोई वैल्यू मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रही हूँ, ओके, टाइम में मैं कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रही हूँ, टाइम को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, टाइम को मैंने दे दिया 2 ईयर्स और यहाँ से मैंने इसको पास कर दिया। अब क्या होगा, अब आएगा आपके पास एरर। क्यों एरर आएगा, क्योंकि क्या था हमारा रूल कि अगर आप किसी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो उसके राइट वाले पैरामीटर के पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा एरर आ जाएगा, राइट। अगर टाइम के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती तो आप क्या कर सकते थे, रेट को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते थे। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा, फाइन, एरर आ गया है, ओके, क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, टाइम को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है। अगर आप किसी भी, अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो इसके जो राइट में है रेट एंड टाइम उनके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो एरर ना आए तो आप रेट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे टी पहले दे दो, ओके, एंड रेट आप बाद में दे दो, रेट को मैंने यहाँ पे दे दिया 5, राइट। तो अब अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हम जो यहाँ पे रूल है कि अगर किसी भी पैरामीटर को आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो तो उसके राइट वाली वैल्यू के पास क्या होनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रेट क्या है, लास्ट पैरामीटर है, ओके, तो इसकी राइट की वैल्यू का कोई इशू नहीं है, फाइन। लेकिन अगर आप टी को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो रेट में डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, और प्रिंसिपल अमाउंट को देना चाहते हो तो आपका टाइम एंड रेट में आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट वी हैव कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। पाइथन ऑफर्स अ वे ऑफ राइटिंग फंक्शन कॉल्स वेयर यू कैन राइट एनी आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर प्रोवाइडेड यू नेम द आर्ग्यूमेंट। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आर्ग्यूमेंट आप सेंड कर रहे हो, राइट, ओके, और आप क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट नेम प्लस वैल्यूज अगर आप सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑर्डर जो आपको मेंटेन करना होता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको सेंड करनी है वैल्यू, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ओके। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स विद असाइंड वैल्यूज। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं विद द वैल्यूज, ओके, बीइंग पार्ट इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपने 2000 दिया, टाइम 2 दिया, रेट आपने 10% दिया, ऐसे ही आपने दिया, यहाँ पे टाइम पहले दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट उस टाइम के बाद दिया, रेट ऐसे दिया है। तो यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल है वो क्या, आप उसके पास वैल्यू आएगी जो फर्स्ट आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है,
ओके उसमें प्रिंसिपल के पास 2000 जाएगा, टाइम के पास वैल्यू जाएगी 2 एंड रेट के पास जाएगी आपकी 0.110, राइट। तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड और या नेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं, कि अगर हम ऑर्डर भूल जाते हैं कि किस ऑर्डर में वैल्यूज देनी है, राइट, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स को। तो नेम के साथ हमने वैल्यूज को क्या किया, पास किया, तो यहाँ तो क्या होगा, तो वेरिएबल्स का हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, पैरामीटर्स का ध्यान ही रखना पड़ेगा कि किस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू सेंड करनी है। ओके तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे पी ले लिया 50,000, राइट। यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड या नेम आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया, पी की वैल्यू ले ली मैंने 50,000, राइट। टाइम की वैल्यू मैंने ले ली 5, ओके, एंड रेट की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 10 ले ली है, फाइन। यहां से हम हटा देते हैं इसके डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। नाउ एग्जीक्यूट दिस, आपका रिजल्ट आ गया, प्रिंसिपल के पास आपकी 50,000 गई है, राइट, और आपके पास टाइम के पास आपका 5, जो टाइम है वो आपका गया है 5 ईयर्स, और रेट आपके गया है 10%, राइट, ओके। अब देखो अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज भी करती हूँ, ऑर्डर अगर चेंज भी होता है, मैंने यहाँ पे पहले दे दिया टाइम, मैंने यहाँ से हटा दिया टाइम को, सॉरी, ओके, टाइम मैंने पहले कर दिया और मैंने उसके बाद कर दिया आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50,000, उसके बाद मैंने रेट दे दिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर चेंज करने में, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो। तो देखो टाइम की वैल्यू टाइम के अंदर गई है, टाइम के पास आपके पास 5 आया है, 5 ईयर्स, और प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 50,000 आया है, एंड रेट आपके पास 10 आया है। तो अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे टी की वैल्यू टी में गई है, पी की वैल्यू पी में गई है, एंड आर की वैल्यू आर में गई है। आप किसी भी ऑर्डर में दो, आपकी वैल्यूज क्या होगा, यहाँ पे उस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, अगर आप क्या यूज करते हो, आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हो, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ यूज कर सकती हूँ, पोजिशनल कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल, इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू क्या दे रही हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू मैं दे रही हूँ रिक्वायर्ड, और यू कैन से पोजिशनल। तो मैंने यहाँ पे दे दी 50,000, ओके, ओके। टाइम की वैल्यू मैं कौन सी दे देती हूँ, टाइम की वैल्यू मैं दे देती हूँ कीवर्ड, राइट, कीवर्ड, और यू कैन से आपकी जो आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मैं टी लिख देती हूँ यहाँ पे, टाइम की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 5। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट जो 50,000 मैंने पास किया है ये मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, फाइन, और यू कैन से रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है। सेकंड मैंने क्या दिया है, सेकंड मैंने दिया है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ओके, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं रेट की डिफॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ, रेट की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी यहाँ पे 10, ओके, रेट की मैंने क्या दे दी, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ओके। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपका आ गया रिजल्ट, फाइन। 50,000 आपकी क्या थी, आपकी पोजिशनल वैल्यू थी, राइट, एंड आपकी टाइम की वैल्यू आपने 5 दिया था, टाइम आपका क्या था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट था, और रेट आपका क्या था, डिफॉल्ट 10, राइट। तो आपने एक प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, तीनों टाइप्स के वैल्यूज को यूज किया है, ओके। तो जब आप यूज करते हो तीनों वैल्यूज को, ओके, थ्री टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, तो इसका क्या ये रूल होता है, इसका ये रूल होता है कि जब आप यहाँ पे एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन्स द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, अगर आप तीनों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रहे हो तो फंक्शन कॉल के अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, फॉलोड बाय द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो आपकी क्या हो सकती है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जो यहाँ पे हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिया है। और आपको ये ध्यान रखना है, जब आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ले रहे हो तो जो आप उसका वेरिएबल नेम ले रहे हो वो आपका पैरामीटर का वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने टी टी लिया है, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम
रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट मीन्स यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो आप बना रहे हो, ओके, उसका जो नेम है वो आपको क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, आप उसको यहाँ से ले रहे हो, फाइन, ओके. और यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस. ऐसा नहीं है कि आप एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक से ज्यादा बार स्पेसिफाई करोगे, एक आर्ग्यूमेंट को आप एक ही बार स्पेसिफाई करोगे. तो मैंने यहाँ पे देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे फर्स्ट हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, सेकेंड हमारा क्या है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, और रेट हमारा यहाँ पे क्या है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ओके, सो हियर वी हैव डन हाउ वी कैन पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.